कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। मैं शरीयत के मुताबिक खुदा को हाजिर नाजिर मानकर इद्दत के पहले महीने का पहला तलाक अपनी हरदिल अजीज शरीक हयात यानी अपनी चाहत रुखसार को देता हूं तलाक। क्या बात, आज इस पत्थर दिल की आंखों में आंसू? भाई तुम तो दूसरों को रुलाया करती थी, आज खुद रो रही हो। खैर कोई बात नहीं, क्या तकलीफ है तुम्हें? असलम मियां, इद्दत का पहला तलाक देते वक्त आपने फरमाया था कि मैं आपकी हर दिल अजीज शरीके हयात हूं, आपकी चाहत। तलाक देते वक्त आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ना जमीन फटेगी ना आसमान, लेकिन रुखसार का कलेजा जरूर फटेगा। और आप ये कैसे भूल गए कि मैं इस घर की जीनत हूं? जिस तकलीफ का एहसास तुम्हें अब हो रहा है वो मुझे भी हुआ था, और मेरा खुदा जानता है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, उतना प्यार जितना कि खुदा से भी नहीं किया था। मगर जब एक मामूली सा जख्म नासूर बन जाता है तो उसे काट देना ही बेहतर है। मैंने खुदा की इबादत तो कभी नहीं की, लेकिन आज आपसे गुजारिश करती हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ दूँ, आप तलाक वापस ले लीजिए। मेरी झोली में रहमो करम की भीख डाल दीजिए, प्लीज असलम, खुदा के वास्ते तलाक वापस ले लीजिए, प्लीज। ठीक है, एक शर्त पर, तुम्हें गुलबदन की तरह बनना होगा। असलम, चलो उठो। सोने दो, ऑफिस नहीं जाना क्या? चलो उठो, उफ लेट हो जाओगे, फिर कहोगे किसी ने उठाया नहीं। हेलो, चलो। क्या बात है, आज तुमने मुझे जगाया? गलती हो गई हूँ तो माफी चाहती। नहीं नहीं, बात यह कि आज सूरज मगरिब से कैसे निकला? जी सूरज मगरिब से नहीं, मशरिक से ही निकला। फिर भी बड़ा ताज्जुब हो रहा है मुझे। ताज्जुब होने की कोई जरूरत नहीं। अब आप चाय का शौक फरमाइए, ठंडी हो रही है। वल्लाह आज तो कयामत का दिन है। जी नहीं, मोहब्बत का। तो फिर थोड़ी सी मोहब्बत हो ही गया। मोहब्बत का वक्त सुबह का नहीं होता,
वो तो कहकशों की भीड़ में ढलती हुई शाम का होता है, और हम दोनों को उस वक्त का इंतजार करना होगा। या अल्लाह, ये तो करिश्मा ही होता जा रहा है। सास को काम करना पड़ता है। अरे अम्मी जान, ये आप क्या कर रही है? कुछ नहीं दुल्हन, वही रोज का झाड़ू कटका। नहीं नहीं नहीं, आप उठिए प्लीज। मगर दुल्हन, मैं हूं ना, मैं सब काम कर लूंगी। ये उम्र आपकी आराम करने की है, काम करने की नहीं। आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। मगर मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, चले जाइए। अच्छा, नाश्ते में क्या बनाऊं? जो तुम चाहो। ठीक है, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ, आप अपने कमरे में आराम कीजिए। असलम बेटा, जरा इधर तो आ। ये मेरे हाथ पे चिकोटी तो बहुत। क्या बात है मियां? तो मार तो सही। अल्लाह, इसका मतलब मैं ख्वाब नहीं देख रही हूँ। हाँ। अच्छा, तो आपको सुबह सुबह ख्वाब का एहसास हो रहा है? हाँ बेटा, आज तो रुखसार का रुख ही बदल गया है। उसकी बातों से शहद टपक रहा है, शहद। हाँ मियां, ये तो मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, ये तो वाकई खुशी की बात है बेटा। हाँ मीजान, मगर आप होशियार रहिए, क्योंकि जहाँ शहद होता है वहाँ जहरीला डंक भी होता है मधुमक्खी का। हाँ ये बात तो है बेटा, अब हमें उसके डंक से खबरदार तो रहना ही होगा। अम्मी जान, मैंने आपका मनपसंद नाश्ता कमरे में रख दिया है, आप जाके नाश्ता कर लीजिए। ठीक है बेटी। मैंने आपके कपड़े प्रेस करके बाथरूम में टांग दिए और जूते वहां सामने पॉलिश करके रख दिए। आप जल्दी से तैयार होके डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। आपकी लाडली दुख्तर जीनत नाश्ते के लिए आपके मुंतजिर है। लगता है इज्जत का पहला तलाक काम करने लगा है, और अगर रुखसार सुधर जाती है तो मेरी जिंदगी तो जन्नत बन जाएगी। हार का तो कमाल ही हो गया, कितना लज्जेदार खाना बनाया और प्यार से खिलाया भी। हाँ। अम्मी जान, आपने खाना ठीक से खा लिया ना? अच्छा बना था? बहुत अच्छा बनाया था दुल्हन, और मैंने इतना खाया कि गले तक पहुंच गया, और तूने सुबह नाश्ता भी तो बहुत ज्यादा खिला दिया था। क्या वाकई अच्छा खाना बना था? बहुत अच्छा दुल्हन, बहुत अच्छा। अरे दुल्हन, ये क्या कर रही हो? अब थक गई होंगी, इसलिए मैंने सोचा पैर दबा दूं। अरे थक तो तू गई होगी बेटी, सुबह से कोल्हू की बैल की तरह लगी हुई हो। जाओ जाके खाना खा लो और थोड़ा आराम फरमा लो। नहीं, पहले आप सो जाइए, उसके बाद मैं आराम करूंगी। मैंने कहा ना, जाओ जाओ ना, ये मेरा हुक्म है, जाओ। तो फिर आपका हुक्म सर आंखों पर। हाँ जाओ।
इसी तरह अपना कर्म बनाए रखना। गुलबदन, मेरी हमशीरा। क्यों, फिर कोई नहीं साजिश रचने का शौक फरमाया है क्या? नहीं मेरी बहन, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। क्या मतलब? मैंने पता नहीं कितने गुनाह किए, लेकिन अब मैं मेरे सारे गुनाहों को पछतावे के आंसुओं से धो देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हकीकत में अगर तुम ऐसे चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। देखो गुलबदन, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा, मैं चाहती हूँ कि हम अपने शौहर को 15-15 दिनों में तकसीम कर लें। तकसीम किस तरह? 15 दिन मैं उनकी अर्दली में रहूंगी और 15 दिन तुम। इस तरह से हम दोनों को अपने शौहर की खिदमत करने का मौका मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी बड़ी बहन की बात मानोगी। अगर घर का सुकून इसी तरह लौट आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। शुक्र है अल्लाह का कि रुखसार आप सुधर गई है। वैसे तो जिंदगी दोजख सी लगने लगी थी, पर अब घर में सुधार आ गया है। अरे अम्मी जान, ये कैसे मैले कपड़े पहने रखे आपने? लेकिन बेटी, मैंने तो कल ही धुले पहने हैं। कल के कपड़े आपने आज तक पहने? नहीं नहीं, मैंने आपके दूसरे कपड़े धोकर प्रेस करके आपके कमरे में रख दिए। जाइए आप चेंज कर दीजिए, ये कपड़े मैं बाद में धो लूंगी। ठीक है बेटी, जैसा तो ठीक समझे। दादी अम्मा, क्या बात है बेटा? मैं हमेशा भूल जाती हूँ LOVE का मतलब क्या होता है। बेटी मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं, जाना अपनी अम्मी से पूछो। नहीं, वो मुझे मारेंगे। जीनत बेटे, यहाँ आओ मेरे पास, मैं नहीं मारूंगी। इधर LOVE का मतलब लव, लव का मतलब होता है प्यार। प्यार क्या होता है? प्यार इसका मतलब है प्यार। ये तो बहुत अच्छी चीज है। जी हाँ सर, ये बिल्कुल सच बात है कि मेरी बीवी सुधर गई है, मगर ये सब कैसे हुआ ये मेरी समझ के बाहर है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हुए कि तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। अब तुम्हारी परेशानी तो दूर हो गई ना? यस सर। चलो अच्छी बात है, अब अपना काम कीजिए। ओके सर। May I come in, sir? अरे तुम और यहाँ? आपके लिए एक सरप्राइज लाई। वो सरप्राइज? आपकी मनपसंद सेवयों वाली खीर। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा हाथ आगे बढ़ाइए। क्यों? बढ़ाइए ना। ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ, मैं तो भूल ही गया था। But anyways, thank you very much. हम जानते हैं कि आप भूल जाएंगे, इसलिए हम खीर बना के यहाँ ले आए। चलिए मुंह मीठा कीजिए। बेटा। जी दादी। जा जरा अपनी अम्मी को तो बुलाना। अम्मी अम्मी नीचे आओ जल्दी।
क्या बात है जीना? रुखसार, पिछले 6 महीने में तुमने हमारी इतनी खिदमत की, हमें इतना प्यार दिया, यहां तक कि मेरा बर्थडे जो कि मैं भूल चुका था, तुमने मेरी ऑफिस में आकर मुझे मुबारकबाद दी, अपने हाथों से खीर खिलाई। इस बात को लेकर मैं तुम्हारा कायल हो गया। हाय अल्लाह, आप मुझे शर्मिंदा न करें। बेटी रुखसार, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुमने इस घर की खुशियां वापस लौटा दी, और इस खुशी के बदले तुम हमसे जो चाहो मांग सकती हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं देना चाहती हूँ। देखो, तुमने पिछले 6 महीने से मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। जो मैं चाहती हूँ वो आप मुझे दे नहीं पाएंगे। अरे कुछ भी मांग लो, क्या चाहिए? सूट का कपड़ा, जरी की साड़ी, हीरो जड़ा हार, मोटर कार, यहाँ तक कि मैं अपनी जान भी दे दूंगा। नहीं नहीं, ऐसी मनुष्य बात मत कहिए, आपकी जान तो मेरे लिए जहान है। बोलो बेटी, हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, और जो तुम मांगोगी हम तुम्हें जरूर देंगे। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं? जीनत की कसम, जो मांगोगी मिलेगी। बोलो रुखसार। आपको गुलबदन को तलाक देना होगा और उसे मायके का रास्ता दिखाना होगा। मगर बेटी, उस बेचारे का कसूर क्या है? इस बात से मुझे कोई सरोकार नहीं। हाँ, सरोकार है मुझसे किए गए वादे का। मगर गुलबदन को इतनी बड़ी सजा, किस गुनाह के लिए और किस जुर्म के एवज में? सवाल उसके जुर्म का नहीं है, सवाल है मेरी ख्वाहिशों का, मेरे अरमानों का। प्लीज रुखसार। जीनत की, अपने बच्चे की खाई कसम निभाओ, वरना इसका मरा मुंह देखोगे। नहीं, मत करो ऐसी मनहूस बातें अपने मुंह से, खुदा के लिए मत करो। ठीक है, मैं गुलबदन को तलाक देने के लिए तैयार हूं, उस बेकसूर को तलाक देने के लिए तैयार हूं, मगर ऐसी बातें मत। नहीं, मेरे हमदम, मेरे आका, मुझ बदनसीब भी कर मत भाइये, आपको अल्लाह का वास्ता। जिन्नत की कसम खाने के बाद रुखसार से किए गए वादा निभाने के लिए मैं मजबूर हूं, बेबस हूं। मुझ बेकसूर को इतनी बड़ी सजा मत दिलवाइए आपा। बेवकूफ, तुम्हें तलाक दिलवाने में मेरा जाती मकान बड़ी भलाई है। ऐसा जुर्म मत भाई अपनी छोटी हमशीरा पर। आप याद कीजिए वो दिन जब आपने मुन्ना चीज को छोटी हमशीरा कहा था। हाँ, तो मेरी छोटी हमशीरा है, मेरी छोटी बहन है। रुखसार, कहाँ हो तुम? ये क्या हुआ तुम्हें? या अल्लाह, ये मुझसे कैसा गुनाह सरजद होने जा रहा था? बेटी रुखसार, तुम कौन से गुनाह की बात कर रही हो? गुलबदन को तलाक दिलवाने की बात। अम्मीजान यतीम मारी, ये नापाक मंसूबा मैंने नहीं, मेरे ऊपर हावी हुआ शैतान बना रहा था। लेकिन खुदा का करम है कि बावक में ही गुनाह से बच गए। असलम मियां, असलम मियां, आप अपना वादा निभाएंगे ना? बेशक, बिना हिल उज्जत के। मुझ पर आयत की गई तलाक की इद्दत हटा लीजिए। तलाक और तुमसे मेरी जान, तौबा तौबा, और कुछ? बाखुदा, तलाक का नाजेबा अल्फाज फिर से अपनी जबान पर मत लाइएगा, ना मेरे लिए और ना ही मेरी छोटी सी हमशीरा के लिए। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस यू। और एक छोटी सी इल्तिजा है मेरी आपसे। वो भी कह डालो बेगम। मेरी इस छोटी सी बहन को बराबर का प्यार, इज्जत और रुतबा अता कीजिए। इसे चाहे कोई भी गलती हो, मुझे पीट लीजिए, मुझे डांट लीजिए, लेकिन इससे कभी कुछ मत कहिएगा।
आपका हुक्म सर आंखों पर। आखिर बदलते हालात में और घर के सभी अखरात के मुख सिलाना सुलूक ने मुझ जैसी बदजबान और बद इखलाक खातून को भी राह रास्त पर डाल दिया। मेरे रवैये में इनकलाब आया और मेरे हर कदम से खलूस और मोहब्बत का जज्बा झलकने लगा। पूरे खानदान की मंजूरे नजर बन गई मैं और मेरा पूरा खानदान ससुर्रत में झूमने लगा। सच कहा है किसी ने, जब प्यार और मोहब्बत का जादू सिर पर चढ़कर बोलता है ना, तब अच्छे अच्छों को मुरीद बना लेता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।